Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी Agilus Diagnostics. खुद को टेस्ट करते रहो. कहते हैं कि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी कोई माफी नहीं होती, और ऐसा ही गुनाह किया एक शख्स ने जिसने एक मासूम सी बच्ची के साथ दरिंदगी की. लेकिन इस गुनाह का बोझ लेकर अगर वो सोच रहा था कि वो बच जाएगा तो ऐसा हो नहीं पाया. पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया. जी हाँ, बिना किसी रियायत के मुठभेड़ में उस शख्स के दाहिने पैर में गोली पुलिस ने मार दी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. आपको बता दें कि बीती 4 तारीख को आरोपी ने एक बच्चे के साथ दरिंदगी की थी, जिसके बाद घटना के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक ने 3 टीमें गठित की. आरोपी तक पहुंचने के लिए कई सीसीटीवी खंगाले गए और आखिरकार औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव में इस वारदात को अंजाम देने वाले दरिंदे को आधी रात मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने बताया कि वो मासूम को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और इस वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था. और आखिरकार टीमों के गठन के बाद, सीसीटीवी खंगालने के बाद और जद्दोजहद के बाद इस आरोपी को मुठभेड़ के दौरान एनकाउंटर करके पकड़ लिया गया है. आपको बता दें कि ये दरिंदा बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है. थाना कोतवाली जनपद औरैया में विगत 4 तारीख को एक 6 साल का बच्ची के साथ एक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था, जिसमें FIR नंबर 535/24 पंजीकृत किया गया था. उसका मुख्य अभियुक्त को काफी सीसीटीवी देखने के बाद पुलिस द्वारा पहचान किया गया. अभियुक्त का नाम है मुंटन कुमार पुत्र कपिलेश्वर, जो कि समस्तीपुर बिहार का मूलतम निवासी है. उनको पुलिस द्वारा आज अर्ली मॉर्निंग गिरफ्तार किया गया है, और उनका बयान के अनुसार जो घटना में प्रयुक्त कपड़ा उन्होंने घटनास्थल के बगल में एक खेत के अंदर छुपा के रखा था, तो उसको रिकवर करने के लिए पुलिस टीम आज जब मौके पर आया तो उनके ऊपर कपड़े के अंदर जो हाइड करके रखा तमंचे से उनके ऊपर फायर किया गया है. तो सीखे हुए तरीके से अपना जान बचाने के लिए पुलिस भी जवाबी फायरिंग किया है. उसमें एक्यूज का दाहिने पैर में गोली लगी है. उनको इलाज हेतु तुरंत ही हॉस्पिटल भेजा गया है. कोई पुलिस को आदमी घायल नहीं है. मौके पर शांति है. पुलिस द्वारा आवश्यक विधि कार्रवाई किया जा रहा है. जरा सोच कर देखिए कि एक मासूम सी बच्ची, जिसे पता भी नहीं होगा कि उसके साथ आखिर क्या होने वाला है, उसके साथ शख्स ने दरिंदगी की. वाकई ये कहना गलत नहीं होगा कि असल में यही घोर कलयुग है. क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. औरैया से सूर्य शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक.